ओम शांति। बाबा ने आकर हम सभी को अपनेपन की बहुत भावना दी। आज तक जिसे हम भगवान कहते थे, जिससे मिलने के लिए तरसते थे, जिसके दर्शनों के लिए हमारे नैन प्यासे थे, वो जब हमारे पास आए तो उन्होंने कहा, मैं तो तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। बहुत अपनेपन की फीलिंग दी है बाबा ने। ये केवल कहने के लिए नहीं रह गया कि वो हमारा बाप, टीचर, सदगुरु है, मात पिता है, लेकिन उसने आकर मात पिता की फीलिंग दी, पालना दी, टीचर रूप में बड़े प्यार से पढ़ाया, संपूर्ण ज्ञान दिया, और सदगुरु रूप में हमें गाइड किया, हमें संपूर्ण बनाने का काम किया, हमें वरदानों से सजाया, सदा अपना हाथ हमारे सिर पर रखा। तो इस अपनेपन को हम बढ़ाते चलें। योग युक्त स्थिति में एक अभ्यास ये भी बहुत सुंदर है कि बाबा मेरा है, उससे अपनापन बढ़ता चले। केवल कहें नहीं मेरा है, केवल ये शब्द न रह जाएं, लेकिन जैसे लौकिक में एक माँ अपने बच्चे को देखती है, मेरा बच्चा, भले ही वो सोचती नहीं है ये मेरा है, लेकिन उसके दिल में कैसी भावनाएं रहती हैं सब जानते हैं। अपनों के लिए हमारे अंदर क्या फीलिंग्स है, इससे हम सब अनुभवी हैं। भगवान भी हमारा है। जब हम उसे देखें, जब हम उसे याद करें, तो इस फीलिंग से कि वो हमारा है, और जो हमारा होता है उस पर हमारा अधिकार होता है। तो बाबा कहते आए, अपने प्यार और अधिकार की रस्सी में बाप को बांध सकते हो। अधिकार भी है, अपनों पर अधिकार भी होता है, और अधिकार से हम उसे यूज भी कर सकते हैं। बाबा हमेशा कहते आए हैं, बाप तुम्हारा है, यूज करो। हम यूज करेंगे, बाबा को बहुत अधिकार से कुछ भी कहेंगे तो बाबा हमारे सब कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा। एक ही तो समय आया है जब उस पर हमारा अधिकार हो गया है। भक्ति में भी जब वो हमारी सुनता रहा, तब तो हम रिक्वेस्ट करते थे हाथ जोड़कर, बड़े दीन भाव से उसे कहते थे, हे प्रभु हमारा ये काम कर दो, तो भी वो मदद करता आया। और संगम पर तो देखो, वो हमारा है, हमारा उस पर अधिकार है। तो इस अधिकार को फील करें और बाबा को बहुत अच्छी तरह यूज करने की कला सीख लें। वो मेरा खुदा दोस्त भी है, उसका वरदानी हाथ भी सिर पर है। उसे यूज करने का एक ये भी सिंपल तरीका है कि हम इस स्मृति में रहें, इस नशे में रहें कि बाबा मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। तो उसकी शक्तियां हमारे साथ काम करती रहेंगी और हमें फील होगा कि हमारे बहुत सारे काम बाबा कर रहे हैं, उनकी शक्तियों के द्वारा हो रहा है। अब हम उन पर इतना बलिहार हो जाएं, समर्पित हो जाएं, और उनसे इतना अपनापन बढ़ा लें कि याद करने की बात भी न रह जाए। जो अपने हैं वो तो अंदर समाये रहते हैं, उनके प्यार में तो हम खोए रहते हैं, याद करने की बात भी कहाँ होती है। और यही फीलिंग, अपनेपन की फीलिंग हमें मस्त फकीर बना देगी, हमें बेफिकर बादशाह बना देगी, हमारे चित्त को शांत रखेगी और हमें बीज रूप स्थिति में भी सहज ले जाएगी। तो आज सारा दिन हम बाप दादा का आह्वान करेंगे, परम धाम से बाबा को निमंत्रण देंगे और विजुअलाइज करेंगे, बाबा अपना धाम छोड़कर नीचे आ रहे हैं, सूक्ष्म लोक में आ गए, ब्रह्मातन में प्रवेश किया, अब दोनों नीचे आ रहे हैं, आ गए हमारे सम्मुख, दृष्टि दे रहे हैं,
और बाबा ने अपना वरदानी हाथ हमारे सिर पर रख दिया है और बोले, बच्चे मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमसे कंबाइंड रहता हूँ, मुझे अपने से अलग न करो। केवल ये स्मृति कि स्वयं भगवान हमारे साथ है, हमारे कंबाइंड स्वरूप का बल हमें प्रदान करेगी। आज सारा दिन हर घंटे में ये अभ्यास करेंगे। ओम शांति।